ब्यूटीफुल लेडीज, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक हो। वेल, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि बंगाली साड़ीज वो स्पेशल वाला कैसे ड्रेप किया जाता है। वेल, उसके बाद आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बंगाल में इतनी सारी साड़ियाँ हैं, जैसे तात, बालू चोरी, टांगाई, गौरोद, बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगी। मैं शुरू करती हूँ बालू चोरी साड़ी से। वेस्ट बंगाल में बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ के पुराने टेराकोटा टेम्पल्स बहुत ही प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इसको देखने भी आते हैं। इस बांकुड़ा में एक छोटा सा गांव है सोनामुखी, यहीं पे बनता है हमारा प्रसिद्ध बालूचरी साड़ीज। वैसे मैं बता दूँ, बालूचरी साड़ीज हमारे वेस्ट बंगाल की शादियों में भी बहुत यूज होता है। बालूचरी साड़ीज को एक्चुअली सिल्क में बनाया जाता है। पहले जो रेशम के कुकुंस होते हैं, जिसको हम सिल्क कुकुंस बोलते हैं, उनको कलर में डुबोया जाता है, फिर उन कुकुंस को सुखाया जाता है, लेकिन बिल्कुल भी उनमें सनलाइट नहीं लगाया जाता, क्योंकि माना जाता है कि सनलाइट से रंग फेड हो जाते हैं। अब जब ये सूख जाते हैं तो इनसे धागे निकाले जाते हैं। इन धागों को, एक एक धागों को, बिलीव मी, एक एक धागों को स्टार्च किया जाता है। स्टार्च करने से इनमें एक अलग ही ग्लो आता है, उसके बाद बनता है ये साड़ी। बालूचरी साड़ीज में 19th या 20th सेंचुरीज के मोटिव्स आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली बंगाल हिस्ट्री को दर्शाता है कुछ इस तरह। अगर आप देखिएगा, ये जो पैटर्न्स है, ये सिर्फ बालूचरी साड़ी में ही आपको मिलेगा। ये सब पैटर्न्स पहले मंदिरों में मिला था। माना जाता है कि ये बालूचरी साड़ीज जमींदार और राजाओं के टाइम से चला आ रहा है। कई दिनों से, इनफैक्ट कई सालों से, ये जो बालूचरी साड़ीज है, ये किसी न किसी कारण से लुप्त हो गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर से बनारस में इसको एक नया जन्म मिला। एक्चुअल बालूचरी साड़ी में कभी जरी का यूज नहीं होता था। इनफैक्ट पुराने जमाने में ज्यादातर कॉटन पे, कॉटन के धागों का ही काम हुआ करता था। जमदानी के बारे में आप कईयों ने सुना होगा इसका नाम। ढाकाई जमदानी एक्चुअली बनता है बांग्लादेश में। हाँ, किसी एक जमाने में दोनों बंगाल्स एक साथ हुआ करते थे, ये तो आप सबको पता है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, इसमें एक जगह है नारायणगंज, यहीं पे इसका जन्म हुआ। रेशम और कॉटन से जो इसका डिजाइन बनता है, वो इतने अच्छे बनते हैं कि बिलीव मी, बहुत सारे औरत लोग जो कि सोफिस्टिकेटेड पहनना पसंद करते हैं, ये उनका खास पसंद होता है। ये है ढाकाई जमदानी। ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा मार्केट में। पैकेजिंग ही इसका ऐसा होता है। ये जो ढाकाई जमदानी है, ये दो टाइप का आपको मिलेगा। एक तो हाफ सिल्क, जो कि रेशम और कॉटन का मिक्स है, और जो सेकेंड वाला है वो है फुल कॉटन, यानी कि बिल्कुल ही सूती का। अब मैं आपको बताती हूँ कि जामदानी साड़ीज का आप लोग टेक केयर कैसे करोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आप जब भी पहली बार खरीद के यूज़ करो, उसके पहले आप लोग इसमें फॉल्स ज़रूर लगा लेना, ताकि साड़ी का हेवी जो नीचे की तरफ होता है वो बना रहे। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें कोई दाग वाग गिरे, तो प्लीज़ आप लोग अपने आप कुछ मत करने जाना। आप लोग इसमें बस एक काम करना कि टैल्कम पाउडर थोड़ा सा देना, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको हटा देना, उसके बाद श्रीधर ड्राई वॉश। कभी भी इसको आप लोग घर में वॉश मत कीजिएगा। दो तीन महीनों के गैप में इन साड़ियों को आप ज़रूर एक बार धूप में रखें। जब ये गर्म हो जाए तो आप रूम टेम्परेचर में ला के इसको ठंडा कीजिए, उसके बाद ही आप अपने अलमारी में रखें। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि कभी भी आप इसको एक ही फोल्ड में मत रखिएगा,
मतलब हैंगिंग में या तो ऐसे आप बीच बीच में इसको थोड़ा सा चेंज करते रहिएगा तो जाके सारे ठीक रहता है। सबसे अच्छा तो तब होगा अगर आप इसको रोल करके रख सकें तो साड़ी बिल्कुल सही रहेगी। एंड एक हम लोग बंगाली में कुछ करवाते हैं इसको, मुझे पता नहीं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि काटा कराना। मतलब वो एक स्पेशल प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं जो कि साड़ी जब आप लोग दोगे ना तब वो हर एक थ्रेड को लोग स्टार्च करते हैं, जो ऑफकोर्स हम लोग घर पर तो कर नहीं पाएंगे। सो प्रोफेशनल्स आर नीडेड। बंगाल में मुर्शिदाबाद, नदिया और हुगली इन तीनों जगह पे बनता है ताक। बांग्लादेश में भी बनता है जिसको हम लोग कहते हैं टंगाई। दिल्ली में मुगल साम्राज्य से लेके ब्रिटेन के रॉयल फैमिली तक ताक का चलन था। इनफैक्ट जो मुस्लिम जो कि ताक एक्चुअली में है जो फैब्रिक उसी को यूज़ किया जाता है जामदानी, बालूचोरी एंड बाकी साड़ियों में। इनफैक्ट आप कह सकते हो तात का जो मटेरियल होता है, जो फैब्रिक होता है, दैट इज़ द बेस ऑफ ऑल बंगाल साड़ीज। तात में जो कॉटन यूज होता है वो बहुत ही लाइट एंड फेदरी और ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए ये बहुत ही आरामदायक होता है। आप देखेंगे कि इसमें जो बॉर्डर होता है ना साड़ी में, ये थोड़ा सा हेवी काम किया होता है। पल्लू भी बहुत खूबसूरत होता है, आर्टिस्टिक होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका बॉर्डर थोड़ा सा हेवी वर्क होता है, रीज़न बिहाइंड इज कि उस ज़माने में ताक को यूजुअली बनाया गया था फॉर डेली वेयर यूज। अब डेली यूज़ करोगे तो नीचे तो वो घिसेगा ही, ताकि साड़ी आपका ख़राब ना हो इजीली, इसीलिए इसका बॉर्डर मोटा हुआ करता है। अब है सबसे ज़रूरी पॉइंट, ताक साड़ियों का देखभाल। फर्स्ट वॉश के पहले आप हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उसमें नमक डालिए। इस नमक वाले हल्के गुनगुने पानी में आप रात भर अपने साड़ी को डुबो के रखें। इससे क्या होता है कि जब नेक्स्ट बार आप इसको धोए इससे रंग नहीं छूटेगा, इनफैक्ट कभी भी रंग नहीं छूटेगा जब आप नेक्स्ट टाइम इसको धोते रहेगा। नेक्स्ट सुबह कपड़े को आप माइल्ड डिटर्जेंट में धोइए, उस पर स्टार्च कीजिए और बस शेड में सुखा लीजिए। बस इतना कीजिए और इससे साड़ी लंबे समय तक टिकी रहेगी।